3, 2, 1, and rolling. Hi guys, my name is Mohsin. Welcome back to my channel. And first of all, thank you so much for all the love and support. Thank you everybody for subscribing this channel. And jin bhi logon ne abhi tak subscribe nahi kiya hai, wo log kya kar rahe ho dost? Jao jaldi jaakar subscribe ka button dabao. Bas yahi kahin hoga ek lal button subscribe likha hoga, usko fight do, todo, phodo, jodo, jo karna hai karo, but subscribe the channel. क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए, आप लोगों के लिए. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है. सो ये बियर्ड लुक जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था मैं रख रहा हूँ, तो अभी थोड़ी सी बड़ी है, मैं थोड़ी और बढ़ाऊंगा. एंड मेरी मॉम को बहुत अच्छा लग रहा है, होप आप लोगों को भी अच्छा लगे. एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज का वीडियो का टॉपिक है कैबिन क्रू इंटरव्यू राउंड्स. बट मेरा सजेशन ये है, ये वीडियो देखने से पहले मेरा पुराना वीडियो जो है हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू वो देखिए, उसमें मैंने बताया एलिजिबिलिटी क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है एंड एक्स वाई जेड. तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, आप लोग देखिए और उसके बाद जंप इन टू दिस वीडियो, तो ज्यादा समझ आएगा. कोई भी इंटरव्यू अटेम्प्ट करने से पहले उसके बारे में नॉलेज गेन करिए. नॉलेज गेन करने के बाद चेक दैट इफ यू मीट द स्टैंडर्ड्स और नो. इफ यू डोंट मीट द स्टैंडर्ड्स देन वर्क ऑन इट. फॉर एग्जाम्पल कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्लियर करने के लिए मेरे हिसाब से ये पांच चीजें चाहिए. और जब ये पांच चीजों को मैंने लिख के रखा था तो मैंने इन पर 3 महीना वर्क करा था, और वर्क करने के बाद मैंने फिर इंटरव्यू दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हुआ था. सो उसमें से सबसे पहली चीज है इंग्लिश. इंग्लिश फ्लुएंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की टू एवरीथिंग. कोई भी जॉब हो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. तो इस वजह से मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप लोगों की बहुत मदद करेगा. सेकेंड चीज है स्किन केयर. स्किन केयर मेरे हिसाब से सिर्फ लड़का या लड़की ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, सबको अपना स्किन केयर करना चाहिए क्योंकि खुद का ख्याल रखने में कोई हर्ज नहीं है. और इस जॉब के लिए स्किन केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रेजेंटेबल दिखना है. तीसरी चीज BMI, बॉडी मास इंडेक्स. मैं इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप एस्थेटिकली फिट दिखो, ना ज्यादा पतले ना ज्यादा मोटे, सिर्फ कपड़ा अच्छा लगे. क्योंकि जब आप सिलेक्ट होते हो तो आपको मौका दिया जाता है अपना वजन बढ़ाने या कम करने का. बट अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो या बहुत ज्यादा पतले हो तो ऑब्वियस बात है आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे. बट अगर सिलेक्ट हो गए तो थोड़ा मार्जिन होता है और आपको उस पर वर्क करने का मौका दिया जाता है. चौथी चीज है ग्रूमिंग, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता देता हूं. एक फॉर्मल शर्ट, उस पर फॉर्मल टाई, फॉर्मल बेल्ट, पैंट्स, शूज, सॉक्स और वॉच. बस जैकेट ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो पहन लीजिए, नहीं हो तो मत नहीं पहनिए. बट मैं इस पर वर्क करने इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कॉम्बिनेशंस देख सको आप पर क्या अच्छे लगते हैं या नहीं. क्योंकि एक या दो रात पहले प्रिपेयर करना और अपने आप को जितना पहले से प्रिपेयर करो उतना बेटर रहता है. पांचवी चीज है जेंटल हैबिट्स. हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, फर्म हैंडशेक, ये सारी हैबिट्स अपनी डे टू डे लाइफ या रूटीन में लाइए और ये बहुत ज्यादा मदद करेंगी. तो अब आते हैं इंटरव्यू के एक दिन पहले. अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स करा लेना और 3 सेट बना लेना. फाइल में उसको अच्छे से अटैच करना ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे. और एक छोटा सा लेदर बैग ले लेना या कोई भी तरीके का बैग लेना. थैली में प्लीज डॉक्यूमेंट्स लेकर मत जाना, बहुत चीप लगता है. अपने 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटोज लेकर जाना. और ये सारे तो चलो डॉक्यूमेंट्स हो गए या आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गया. और फिर अच्छी नींद लेना. नींद बहुत ज्यादा एसेंशियल है एक स्टेबल माइंड के लिए. और आप चाहते नहीं हो कि आप इंटरव्यू के सामने फफलाओ फड़फड़ाओ, इसलिए अच्छी नींद लेकर जाना. और सुबह उठकर नहाओ धो और ग्रूम करो अपने आप को. मैंने नमाज पढ़ी थी, आप अपने तरीके से ऊपर वाले को याद करो, ब्रेकफास्ट करो और रवाना. रवाना होने से पहले अपनी सारी चीजों को एक बार वापस चेक कर लेना. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मैं टाई भूल गया था, लकीली मुझे वहां पर जाकर एक टाई मिल गई थी. बट प्लीज इन सब चीजों को मत भूलना. इंटरव्यू लोकेशन पर 30 मिनट्स प्रायर पहुंच जाना, ये मेरा हैक है और मैं हमेशा अपने टाइम से पहले पहुंच जाता हूं. जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है मेरी आदत है, मैं टाइम से पहले पहुंच जाता हूं. और ये एक अच्छी आदत भी है, ये एक बुरी आदत भी है दूसरों के लिए, बट मैं फॉलो करता हूं, मुझे अच्छा लगता है टाइम से पहले पहुंचना हर जगह पर. चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे मेरा काम हो, चाहे मेरे दोस्त हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ मेरे टाइम को लेकर. और मैं हूँ ऐसा ही हूँ. तो
मैं हमेशा इंटरव्यू पर अपने 30 मिनट्स प्रायर पहुंच जाता था, और पहुंचकर वहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा टोकन, आपका नंबर आएगा, आप जब जाओगे तो सबसे पहला राउंड है वन ऑन वन राउंड में आपसे सिर्फ सवाल होंगे, थोड़े बहुत ज्यादा नहीं। आपकी फाइल चेक होगी कि आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है एंड एक्स वाई जेड। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इस चीज पर अपने आप को एकदम फर्मली प्रिपेयर कर जाना, प्लीज फेक मत बनना, अपने बारे में सच बताना, झूठ मत बताना, क्योंकि इंटरव्यूअर समझ जाता है आपकी प्रोफाइल देखकर भी और आपसे बात कर भी कि आप कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ बोल रहे हो। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी और दिस प्रोफेशन एक्स वाई जेड। इस चीज पर भी प्रिपेयर कर जाना कि आपको ये कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, इससे बेटर और कोई कंपनी है। तो आप उसका ये जवाब दे सकते हो कि मेरे लिए यही कंपनी बेस्ट है और मुझे यही कंपनी ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और एक और सवाल आ सकता है जो है, व्हाई शुड वी हायर यू। तो अपनी कोई ऐसी क्वालिटी उनको बताना जिससे, सोचो आपका खुद का कोई बिजनेस है और आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप किसी से सवाल पूछ रहे हो कि मैं तुझे क्यों मेरे काम पे रखूं, तुझमें ऐसी क्या कला है या खूबी है, तो बस वैसे ही आपको वो लोग पूछेंगे और आपको उस चीज का जवाब देना है। सो अगर आपने पहला राउंड क्लियर कर लिया है तो दूसरा राउंड डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए अलग होता है और इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अलग होता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। डोमेस्टिक एयरलाइन में सबसे पहले आपका BMI राउंड होगा, आपकी हाइट चेक होगी, आपका बॉडी वेट चेक होगा, और उसके बाद एक नॉर्मल सा एक इंग्लिश टेस्ट होगा, और उसके अगर आप वो क्लियर करते हो तो आप थर्ड राउंड में जाते हो। और इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए ऐसा नहीं है, वो लोग पहले इंग्लिश टेस्ट देते हैं बट उसमें थोड़ा से क्वेश्चंस मैथ्स के भी होते हैं, और मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग बहुत इजीली क्लियर हो जाओगे वो चीज, इट्स नॉट दैट टफ। और उसके बाद वो लोग 212 रीच और एग्जामिन करते हैं कोई स्कार्स या टैटूज, बस इन चीजों के लिए। तो जो नेक्स्ट राउंड है वो है ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन हर एयरलाइन करवाती है, और वो लोग देखते हैं कि आप टीम वर्क में कितने इफेक्टिव हो। और सबसे पहली चीज, जैसी ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक मिले आप ग्रुप से डिस्कस करिए और बोलिए कि मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये हो गया आपका लीडरशिप क्वालिटी, और ये इंटरव्यूअर नोट करता है और देखता है आप में लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़े। बट लीडरशिप स्टाइल से मेरा मतलब है डेमोक्रेटिक स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल्स बहुत सारे हैं, उसमें से मैं तीन बताता हूँ। एक होता है ऑटोक्रेटिक, जो बोलता है मैं बॉस हूँ, मैं ये बता रहा हूँ और ये करना पड़ेगा। एक होता है डेमोक्रेटिक, जो बोलता है कि मैं बॉस हूँ बट हम सब मिलकर काम करेंगे, तुम्हारा भी ओपिनियन दो, मैं मेरा भी ओपिनियन दूंगा और हम सब मिलकर काम करेंगे। और एक होता है लेजेस फेयर, जो बोलता है कि तुम भी कोई भी काम करो, मैं भी कोई भी काम करूं, बस काम हो जाए, भाड़ में जाए दुनिया। तो आपको डेमोक्रेटिक लीडर बनना है और सबका ओपिनियन लेना है, सबसे अच्छे से बात करना है और फिर ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज याद रखना, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। टीम वर्क और लीडरशिप, ये दो चीज पर ही इसमें मार्क्स दिए जाते हैं और आपको ग्रुप डिस्कशन में से आगे प्रमोट किया जाता है। ये रोडीज नहीं है जहां तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी माँ का, तेरी बहन का, ये सब नहीं करना है। अच्छे से प्रोफेशनली बात करना है और सबको बात करने का मौका भी देना है और खुद भी बात करना है, समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं फाइनल राउंड की तरफ। फाइनल राउंड इज सेम एज द फर्स्ट वन ऑन वन राउंड दैट यू हैव गिवन, एग्जैक्टली सेम होता है, बस सिर्फ हायर मैनेजमेंट के साथ होता है, और वो लोग भी वही सवाल पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड बी हायर यू, सम गुड क्वालिटी अबाउट यू, सम बैड क्वालिटी अबाउट यू, बस ये बेसिक सवाल पूछते हैं जो आप प्रिपेयर कर जाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच बताना इन सारे सवालों का जवाब। इन सारे सवालों का जवाब जब आप पहले दिन पर सच बताओगे तब आप इस दिन पर भी वही रिपीट करोगे और लोग देखेंगे आप कितने जेन्यून हो या नहीं हो, समझ गए? तो यही होता है ये वीडियो खत्म, और इसके बाद आप हो जाते हो सिलेक्ट, आप बन जाते हो कैबिन क्रू, जो आप एक ऐप इनिशियो ट्रेनिंग के थ्रू जाते हो। मैं उस ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा, उस ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती और क्या क्या मजा आता है उस ट्रेनिंग में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कॉमेंट एंड शेयर। बाय।